so in order to understand the behavior of elementary particles uh, their formation and decay we need to understand the different types of fundamental interaction among them these interactions are generally divided into four categories they are number 1 gravitational interaction gravitational Interaction number two electromagnetic interaction, electromagnetic interaction number third is strong interaction. फोर्थ वन इज वीक इंटरक्शन सो हम लोग इसके बारे में सिर्फ सॉट इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि कौन से इंटरक्शन कितने कितने इंपॉर्टेंट है सो so, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से क्शन so, के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि जब दो हो, M1 और M2, और दोनों सर्टन डिस्टेंस से फिक्स्ड हो मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसा है. of force that force is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And combining this equation, we have f is equal proportional to m 1 m two divided by r square. If this proportionality sign is removed, we have the constant this is called the universal gravitational constant which is called capital g. हुज वैल्यू इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टें पावर माइनस इलेवन एन एम स्क्वा के जी स्क्वायर ओके सो वट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल पॉइंट सो दे इज द वीकेस्ट इंटरक्शन इन नेचर नेचर में सबसे वीकेस्ट इंटरक्शन होता है चारों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है नंबर टू ऑलवेज एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है सो इट इज्रैक्टिव इन नेचर इट इज अ लॉन्ग रेंज इंटरक्शन लॉन्ग रेंज इंटरक्शन दीज ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रेंज इंटरक्शन ठीक है दैट इज फॉर कैपेबल ऑफ इंफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं

is 0 kg and spin of graviton is equal to 2 now important next important is the strength of this interaction is of the order 10 टू द पावर -40 मतलब काफी कम स्ट्रेंथ होता है इसका ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ काफी कम होने के चलते इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं जनरली हमारे लिए तीन ही इंटरेक्शन आगे में हम लोग देखेंगे सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इट इज द स्ट्रोंग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैटिक एट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैटिक इंट्रैक्शन जो होता है वो एट्रैक्टिव एज वेल एज इट इज ऑल्सो रिपल्सिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर इट इज ऑल ऑल्सो इट इज अंट्रल फोर्स द एक्सचेंज पार्टिकल इज

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल इट इज ऑल्सो इन्फाइनाइट सो हमारा दो इंटरैक्शन हो गया नंबर थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन जनरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स इट इज द स्ट्रोंगेस्ट चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये सो इट इज द स्ट्रॉगेस्ट इंटरक्शन ने नंबर टू इट इज द शॉर्ट रेंज इसका जो रेंज होता है वो शॉर्ट होता है मतलब काफी ज्यादा लंबे डिस्टेंस क्योंकि न्यूक्लियर में हमारा जो डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियस दो न्यूट्रॉन दो प्रोटोन या न्यूट्रॉन प्रोटोन इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो शॉर्ट रेंज होता है सो इट इज अ शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन इनफाइनाइट रेंज नहीं होता है शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन नियर अबाउट टेन टू दावर अबाउट टेन टू दावर फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन मीटर के आसपास होता है नियर अबाउट द थर्ड वन इज इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स सेंट्रल नहीं लगता है सो इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स द फोर्थ वन इज Uh, exchange particle exchange particle is pi meson now its property mass is 135 to about 140 mega electron volt and its spin is 0

Of strong interaction is unity. So, this is strong interaction. The fourth one, the weak interaction, weak interactions. तो so, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ डीकेज अल्फा डी बीटा डीके गामा डी सो ऑल टाइप्स ऑफ डी के तरह का डीकेज होगा एंड द लैपटॉनिक इंटरेक्शन लैप्टोनिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे द लैपटॉनिक इंटरक्शन ऑल्स आर वीक इंटरक्शन it is also a non central force non central force number third exchange particle is vector boson whose mass is 85 giga electron volt and its spin is 1 okay the next one the fourth one इज द इट इज रेंज इसका जो रेंज होता है इलेक्ट्रोमैटिक इंट्रेक्शन जहाँ पे रेंज जो है इनफाइनाइट होता है सो फाइनाइट रेंज फोर्स दैट इज टू पावर माइनस सेवनटीन टू टेन टू पावर माइनस एटीन नंबर फाइव करेक्टरिस्टिक characteristic time of interaction time of interaction is about 10 to the power 8 second and the strength of weak interaction

range exchange particle spin relative strength and characteristic time noted by tau so. first one is the strong strong range of strong is 10 to the power minus 15 meter exchange particle is pions pi plus 0 or 0 0 1 10 to the power minus 23 second second one electromagnetic interaction range infinite exchange particle photon spin 1 10 about 10 to the power minus 3 characteristic time 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 20 second the third one is the weak interaction 10 to the power minus 17 to 10 to the power minus 18 meter vector boson which is generally denoted by w plus minus z0 one spin is one it's relative strength 10 to the power minus 11 and it is 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 13 second

एंड टें पावर सिक्सटीन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक टाइम काफ़ी लंबा समय तक ये लगा हुआ रहता है दो मास के बीच में सो so ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इंटरक्शन जिससे जेनेट्रिक जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे पार्टिकल फिजिक्स में अब हम आते हैं मेन पार्टिकल फिजिक्स में बेसिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स अभी सिर्फ डिफिनेशन हम लोग करेंगे बाकी के सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट इज द लैपटॉन्स एंड सेकेंड इज हाइड्रोन्स ओके लैपटॉन्स जो है वो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस फॉलो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रॉन्स जो हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ठीक है नेक्स्ट हम इसी में हम लोग इसको थोड़ा सा ये कर रहे हैं लैपटॉन्स जो हैं जनरली छह तरह के होते हैं ठीक है लैपटॉन्स को हम लोग छह कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉन ई माइनस देन मियोन्स म्यू माइनस एंड द थर्ड वन इज टाइन्स दैट इज टाउ माइनस अब इसके सारे एंटी पार्टिकल्स होंगे दैट इज ये वन टू तो थ्री हो गया इसका हो जाएगा न्यू ई दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा मियोन न्यूट्रिनो और इसका एंट्री पार्टिकल हो जाएगा टाउन न्यूट्रिनो ओके okay. अब इस लैप छो लैपटॉन्स के हमारे एंटी लैपटॉन्स भी होते हैं ये तो हमारे छ हो गए छ के हमारे एंटी लैपटॉन्स भी होंगे सो so, एंटी आर पॉजिट्रॉन e ई प्लस टाइन प्लस सॉरी म्योन प्लस म्यू प्लस टायोन टाउ प्लस और फिर इसका न्यूट्रिनो न्यू ई प्लस न्यू म्यू प्लस न्यू टाओ प्लस ठीक है और अगर इसके चार्ज के बारे में बात कर लें तो सभी में नेगेटिव चार्ज होंगे ऊपर वाले में और न्यूट्रिनो में जो चार्ज होगा वो जीरो होगा उसी तरह से इसमें जो चार्ज होगा एंटी लैपटॉन्स में चार्ज वन होगा वन प्लस ई e, और एंटी लैपटॉन्स में चार्ज जो होगा वो जीरो होगा ये हो गए हमारे स के बारे में अब हम लोग आते हैं हेड्रॉन्स फैमिली में। मेंड्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज मेसॉन्स एंड सेकेंड वन इज बेरियो ओके मेसॉन्स जो है मेसोन्स तीन कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट वन इज पाई मेसोन पाई मेसॉन्स में आएंगे पाई प्लस पाई जीरो पाई माइनस फिर ये आते हैं हमारे के मैसोन्स इसमें आते हैं हमारे के प्लस के जीरो और इसका एंटी पार्टिकल जो होता है एंटी पार्टिकल्स को रेड कलर से लिख लें के माइनस एंड के जीरो बार ये जाता है एंटी पार्टिकल्स एंड द थर्ड वन इज ईटा मेसोन इसको हम लोग ईटा जीरो से डिनोट करते हैं अब ये भी जो बेरियंस हैं, बेरियंस जो हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं तो इसको नीचे कर लेते हैं दो स्पिन्स में आते हैं एक है स्पिन हाफ सॉरी स्पिन हाफ बेरियंस एंड सेकेंड वन इज स्पिन थ्री बाई टू बेरियो स्पिन हाफ बेरियंस में हमारे चार हैं नंबर वन न्यूक्लियन, न्यूक्लियोन्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देन लैमडा लैमडा जीरो द थर्ड वन इज सिग्मा, सिग्मा प्लस सिगमा जीरो एंड सिगमा माइनस एंड दैमिली इज कैसकेट फैमिली कैसकेट कैसकेट को हम लोग लिखते हैं इस तरह से कैसकेट जीरो कैसकेट प्लस नहीं होता यह ध्यान रखना है कैसकेट जीरो एंड कैसकेट माइनस वन स्पिन हाफ वाले जो होते हैं स्पिन थ्री बाई टू वाले जो होते हैं ये हमारे ये भी चार हैं नंबर वन डेल्टा डेल्टा में हमारा डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा जीरो डेल्टा माइनस नेक्स्ट वन इज नंबर टू सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार में सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार जीरो एंड सिग्मा स्टार माइनस द थर्ड वन इज कैस्केड स्टार कैस्केड स्टार इसमें आता है सिग्मा कैस्केड सॉरी कैस्केड कैस्केड स्टार स्टार माइनस और इसमें हमारा जो फोर्थ वन है वो टे है वो ओमेगा इज ओमेगा जीरो सो ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हम लोग डिवाइड करते हैं इस टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है दो तीन बार में याद करेंगे क्योंकि ये टेबल्स से ही तो कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में देख लिया था अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं द क्वांटम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स सो देर आर जनरली फाइव टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव uh, क्वेश्चंस दोनों पूछे जा सकते हैं कॉम्बाइन में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं तो फर्स्ट इज द लैपटॉन नंबर quantum number generally it is called lapton quantum number generally denoted by capital L number two baryon number baryon quantum number denoted by capital B number three isospin denoted by capital I and number four third, Component of isospin denoted by I3 and fifth strangeness quantum number denoted by capital S. So, first one is the lepton number. वट इज लैप नंबर सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन वट आर लैपटॉन्स तो हम लोग लैप जानते हैं इलेमेंट्री पार्टिकल्स दो पार्ट में डिवाइड है लैपटॉन्स एंड हैड्रॉन्स सो लैपटॉन्स जो है वो छह है तो पहले को हम लोग लिख लें इलेक्ट्रॉन ट मियोन एंड टाइन्स और इसका एंट्री पार्टिकल्स न्यू न्यू म्यू न्यू टाओ ठीक है सो ऑल द लैपटॉन्स फॉर ऑल द लैपटॉन्स फैमिली जो हमारे छ हैं एल इज इक्वल टू होता है प्लस वन फॉर एंटी लैपटॉन्स दैट मीन्स पॉजिट्रॉन टाउ प्लस म्यू प्लस या एंटी लैपटॉन्स और उसके एंटी पार्टिकल्स एंटी लैपटॉन फैमिली एल इज इक्वल टू माइनस वन फॉर अदर्स अदर्स में कौन है हेड्रॉन्स हैड्रॉन्स में मेसोन्स एंड बेरियंस है बाकी के लिए हेड्रॉन्स के लिए एल का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है फर्दर लैपटॉन नंबर एल इज अदर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज नंबर वन फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर टू फॉर मियोन एंड नंबर थ्री फॉर टाइन इस फैमिली में हमारे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका एंट्री पार्टिकल यहाँ पे एल ई का वैल्यू प्लस वन होगा इस फैमिली में आएंगे हमारे म्योन्स एंड इसका एंटी पार्टिकल यहाँ पे एल म्यू का वैल्यू जो होगा प्लस वन होगा इस फैमिली में हमारे आएंगे टायोन्स एंड इसका एंटी पार्टिकल और इस केस में एल टाओ का वैल्यू जो होगा वो प्लस वन होगा ठीक है, ये हो गया हमारा लैपटॉन्स में तो, तो एक दो एग्जाम्पल देख लें एक ही एग्जाम्पल देखेंगे एन पी प्लस ई माइनस केस में हमारा पहले देख लें क्या क्या दिया हुआ है लैपटॉन्स नंबर यहाँ पे ये ज़ीरो है क्योंकि ये है ये बेरियस मिसोन फैम बेरियस फैमिली में है ये ज़ीरो फिर इलेक्ट्रॉन है तो वन और इसका एंटी पार्टिकल है तो वन सो वन माइनस वन जीरो दैट इज ज़ीरो टू जीरो सो इट इज़ अलाउड हियर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अलाउड अब यहाँ पे फिर एक चेक कर सकते हैं हम लोग एल ई चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो एल ई केस में फिर ज़ीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन और यहां पे माइनस वन तो इस अगर एलई के अकॉर्डिंग uh, या पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज करें तब भी ये अलाउड है ओके okay. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लेप्टॉन्स से रिलेटेड एनी इफ एनी लेप्टॉन इज प्रेजेंट In the decay process, then L must be conserved. Okay. Otherwise, yeah, it is forbidden or not allowed under the law of conservation of lepton number. Okay. Next, number two. बेरियोन नंबर और क्वांटम नंबर कैपिटल बी सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द बेरियन फैमिली सो बेरियस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज स्पिन हाफ एंड स्पिन थ्री बाई टू सो स्पिन हाफ एंड स्पिन थ्री बाई टू स्पिन हाफ में हमारे फैमिलीज में है nucleon that is proton and neutron next is lambda then cascade family cascade plus cascade zero and cascade minus and the fourth one is uh, sorry this is sigma family and then cascade zero and cascade minus cascade plus a सिग्मा थ्री सॉरी स्पिन थ्री बाई टू में हमारे फिर चार हैं डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस एंड देन सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार जीरो सिग्मा स्टार माइनस वन एंड द थर्ड वन इज कैसकेट स्टार फैमिली माइनस एंड दीरो जितने भी बेरियो हैं सबका बेरियो नंबर जो होता है वो वन होता है एंड बेरियो नंबर इज ऑलवेज कन्जर्व बेरियो नंबर मस्ट ऑलवेज कंजर्व ओके फॉर एग्जाम्पल पी चेंजेस टू न्यू प्लस पाई प्लस प्लस फोटो ऑन सो इसमें अगर हम लोग देखें तो बेरियन नंबर इसका वेरियोन नंबर वन होता है ये सारे मेसोन्स हैं तो ये हो गया ज़ीरो सो दिस इज नॉट अलाउड ओके अगेन दूसरा अगर एग्जाम्पल लें एन चेंजेस टू पाई माइनस प्लस पी यहाँ पे अगर बेरियन चेंज करें तो दिस इज वन ज़ीरो वन क्योंकि ये हमारा मेसॉन्स है वन सो इट इज़ अलाउड तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग अलाउड कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर पहले हम लोग थर्ड में आइसो uh, स्ट्रेंजनेस को देख लें एंड देन उसके बाद आइसो स्पिन और उसके थर्ड कंपोनेंट को देखेंगे एक साथ सो थर्ड वन इज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एस सो व्हाट इज़ द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर सो एज सुन एज द डिस्कवरी ऑफ हाइप्रोन्स हाइप्रोन्स जो है हाइप्रोन्स मतलब जो हमारे न्यूक्लियन्स के बाद के जो फैमिलीज है उसको हाइप्रोन्स कहते हैं सो इट वॉज रियलाइज दैट दीज पार्टिकल्स वे आर बिहेविंग इन द स्ट्रेंज मैस कुछ पार्टिकल जो है स्ट्रेंज मैनर्ज में बिहेव कर रहे हैं दे प्रोड्यूज इन द स्ट्रोंग इंटरक्शन एंड हैज द लार्ज प्रोडक्शन क्रॉस एक्शन सो दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज पेयर प्रोड्यूज इन दियर जो स्ट्रेंज पार्टिकल होता है वो हमेशा में प्रोड्यूस होता है सो व्हाट आर द स्ट्रेंज पार्टिकल्स एंड देयर स्ट्रेंजनेस नंबर सो फर्स्ट इज कायोन्स में होते हैं के जीरो के प्लस इसका स्ट्रेंजनेस नंबर होता है प्लस वन नंबर टू सिग्मा इसमें तीन है सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो यहाँ पे स्ट्रेस रेंजेस वन नंबर थ्री लैमडा लैमडा जीरो इसका माइनस वन नंबर फोर कैस्केड जीरो माइनस थ्री एंड फॉर अदर्स और जो बाकी अदर पार्टिकल हो गए इसका वैल्यू जो होगा वो हो सीरो अब इस टेबल को कैसे याद रखे तो इसके लिए एक छोटा सा हिंदी का मुहावरा है को हम लोग कह सकते हैं ट्रिक एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है यह है कल लखनऊ से कैसे ओके फिर यहां पे हम लोग पुट करेंगे प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सेट में रखेंगे एस का वैल्यू अब कल कल का मतलब हो जाएगा कायोन्स के फॉर कायोन्स लखनऊ एल मतलब लैमडा से मतलब सिग्मा कैसे कैसे मतलब कैस्केड और आउ मतलब सिग्मा ओमेगा Okay, so strange particle, so the strange particle always produce in strong interaction. Always, or strange particles particle production is via strong interaction. बट ते दिके वाया वीक इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन से ये डीके कहते हैं सो फॉर एंटी पार्टिकल स्ट्रेंज पार्ट ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल द स्ट्रेंज क्वांटम नंबर इज ऑपोजिट उस केस में उसका जो स्ट्रेंजनेस होता है वो ऑपोजिट होता है ठीक है जैसे कायोन्स फैमिली में उसका एंटी पार्टिकल अगर होगा तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्लस वन का माइनस वन क्योंकि फैमिली में मेरा एंटी पार्टिकल होता है अच्छा ये स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन होता है इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो सिग्मा ज़ीरो है वो सिर्फ डीके होता है इज डीके वाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एग्जांपल ले लें पी प्लस पाई माइनस सिगमा माइनस प्लस के माइनस सो पी पी का तो ऑबियसलीज नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल दिस इज ऑल्सो नॉट स्ट्रेंच पार्टिकल दिस इज अट्रेंज पार्टिकल इसका वैल्यू होता है प्लस वन माइनस वन माइनस वन दैट इज माइनस वन कायंस का ये एंटी पार्टिकल है काय्स का फैमिली का प्लस वन होता है उसका एंटी पार्टिकल माइनस वन सो दिस इज स्ट्रेंजनेस नंबर इज नॉट कंजर्वड हिठ ठीक है तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम्स हम लोग बना सकते हैं अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वांटम नंबर है

बिसाइड हैविंग सेम स्पिन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हैव द मेनी सिमिलैरिटीज स्पिन के अलावा दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटी पढ़ाए जाते हैं प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स पर्टिकुलर इट वॉज वेल नोन दैट न्यूक्लियर फोर्सेज दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर आर चार्ज इंडिपेंडेंट क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज एसेंशली द सेम मतलब उसका जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो जनरली सेम होगा द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दैम इज एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रोमैटिक इंट्रेक्शन विच अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्जेस ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो स्मॉल इलेक्ट्रोमैटिक इंट्रेक्शन का फोर्स होता है वो उसके चलते प्रोड्यूस होता है सो दीज फैक्ट सजेस्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू कॉन्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एक नया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिन जो है उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा एंड दैट न्यूक्लियर स्पिन इज कॉल्ड आइसोस्पिन मल्टीप्लिस so so, तो, कोई भी पार्टिकल कितना बार या कोई पार्टिकल का एक फैमिली है तो उस फैमिली में कितने पार्टिकल्स अवेलेब जैसे कायोन्स फैमिली अगर लिख रहे हैं तो काय फैमिली में दो है तो उसका मल्टीप्लेसिलिटी टू है इस तरह से तो मल्टीप्लेसिटी इज इक्वल टू

थ्री वैल्यू कम फ्रॉम माइनस आई टू प्लस आई माइनस आई से प्लस आई के बीच में इसका वैल्यू लाइक कैसे अभी करके हम लोग देख लेते हैं सो फर्स्ट वी है फैमिली देन इट्स आई सो स्पिन वैल्यू देन इट्स आई थ्री कॉम्पोनेट and examples. First one is Singlet 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 means single particle is Kaiso spin. तो सिंगलेट ऑबलिय सिंगल है इसका मतलब एम का वैल्यू जीरो होगा ठीक है तो उस केस में हमारा मल्टीप्लेसिटी आइसोस्पिन का जो वैल्यू हो जाएगा उस केस में ही हो जाएगा ज़ीरो आई थ्री का वैल्यू हो जाएगा ये भी जीरो क्योंकि जीरो से माइनस जीरो सेम इस फैमिली में हमारे आते हैं लैमडा ओमेगा एंड इटा नंबर टू डबलेट फैमिली डबलेट फैमिली में हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीसिटी एम इज इक्वल टू टू डेट इज टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज हाफ सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ आइसोस्पिन का वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये एक न्यूक्लियन फैमिली में है एंड द का दे आर टबलेट्स के बाद है हमारा नंबर थर्ड ट्रिपलेट थ्री थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू दै इज वन सो आईसो स्पिन वैल्यू इज वन यहाँ पे प्लस वन से माइनस वन दट इज पॉइंट प्लस वन जीरो माइनस वन इसमें आते हैं हमारे सिग्मा और पाई फैमिली नेक्स्ट फोर्थ वन इज एम इज इक्वल टू फोर उस केस में ये हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस सॉरी माइनस थ्री बाई टू इस फैमिली में आते हैं डेल्टा स्टार डेल्टा प्लस एक ही आता है डेल्टा जीरो एंड डेल्टा माइनस अब पर्टिकुलरली सबको एक बार देख लें सिंगलेट के बारे में तो कोई डाउट नहीं है डबलेट में देख लेते हैं डबलेट में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है सो so आई एंड आई थ्री प्रोटोन के केस में आई का वैल्यू दोनों में हाफ इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है प्लस हाफ ये माइनस हाफ ट्रिपलेट सिगमा प्लस सिग्मा जीरो सिगमा माइनस आई का वैल्यू आई थ्री का वैल्यू सबके इसमें वन ट्रिपलेट फैमिली में अब यहां पर प्लस वन जीरो माइनस वन जैसा है चार्ज उस हिसाब से इसका वैल्यू को लिखेंगे धैन एम इज इक्वल टू फोर यहाँ पे है डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा जीरो डेल्टा माइनस आई आई थ्री थ्री बाई टू थ्री बाई टू आई का फैलो सब में सेम लेकिन ये प्लस चार्ज है तो प्लस थ्री बाई टू देन प्लस हाफ देन माइनस हाफ एंड माइनस थ्री बाई फिर और भी फैमिली है कैसकेट फैमिली है पाई फैमिली है सिग्मा स्टार फैमिली है तो उसके इसमें भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं सो so, पाई फैमिली अगर लिया जाए सो so, पाई फैमिली में पाई प्लस पाई ज़ीरो पाई माइनस इसमें आई का वैल्यू आई थ्री का वैल्यू सो so, आई इज वन 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 यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन जीरो माइनस वन एंड नेक्स्ट वन इज द सिग्मा स्टार फैमिली सिग्मा स्टार फैमिली यहाँ पे सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार जीरो एंड सिग्मा स्टार माइनस वन तो ये हो जाएगा आई एंड देन आई थ्री वन 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 प्लस वन जीरो माइनस वन ठीक है ये हमारा हो गया क्वांटम नंबर्स जो चार पाँच में हम लोगों ने लिखा था लेकिन लास्ट में हमारा फोर्थ और फाइफ को एक ही साथ लिखा सो लेपटॉन नंबर बेरियो नंबर आइसोस्पिन एंड देन स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर देन उसके बाद आई एन आई थ्री दैट इज आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंजर्वेशन लॉ उसके पहले uh, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है सो so, एक टेबल है इसको याद रखना होगा कौन सा कंजर्वेशन है क्या नहीं है टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन वी हैव टू चेक कंजर्वेशन ऑफ एस आई एन आई थ्री ये तीन कंपोनेंट्स को हम लोगों को फाइंड करने हैं सो so, हम लोग अगर लिखें सो टाइप्स टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन

तो उसके इसमें ये तीनों जो है वो कंजर्व होंगे तभी हम कहेंगे कि ये स्ट्रांग इंटरेक्शन है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो उसके इसमें एस कंजर्व होगा आई कंजर्व नहीं भी हो सकता है लेकिन आई थ्री कंजर्व होना चाहिए और लास्ट वन इज़ द वीक इंटरेक्शन वीक इंटरैक्शन में नो, 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 तीनों कंज़र्व नहीं होगा ठीक है दूसरा बात I जो है और I3, ये दोनों एक दूसरे से अलग है I जो है वो वेक्टर, आइसोस्पिन है इसलिए ये वेक्टरली ऐड होता है दिस इज वेक्टर सम एंड द थर्ड कंपोनेंट जो है वो एल्जेबराइक सम से ऐड होता है एल्जेबराइक सम फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हम लें ए चेंजेस इनटू बी प्लस सी अगर इसमें आई थ्री का वैल्यू यहाँ पे प्लस हाफ़ है यहाँ पे प्लस हाफ़ है और यहाँ प्लस वन है तो ये हम लोग चीज कर सकते हैं लेकिन आई का जो वैल्यू है वो यहाँ हाफ है यहाँ पे हाफ है और यहाँ प्लस वन है तो एल हमारा आई के केसेस में हाफ आर जो है वो हम लोग लेंगे हाफ एंड वन तो ये आई जो होगा वो हमारा चेंज होगा वन माइनस हाफ टू वन प्लस हाफ ठीक है तो ये हो जाएगा वन माइनस हाफ दैट इज वन एंड दैट इज थ्री बाई टू तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर हाफ का टर्म है और यहां पर भी हाफ का टर्म है तो दैट मीन्स इट इज कंज़र्व्ड. तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं आई के वैल्यू में आई में हम लोग वैक्टर सम लेते हैं आई थ्री में अल्जेब्राइक सम लेते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद हमारा आता है कंजर्वेशन लॉ सो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जो हमारे चार हैं जनरली हम लोग तीन देखते हैं सो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर कंट्रोल बाय सर्टन कंजर्वेशन लॉ हाउ वेर एग्जिस्ट अ फ्यू कंजर्वेशन लॉ विच आर वैलिड फॉर सम इंटरेक्शन एंड नॉट फॉर अदर इंटरेक्शन रिएक्शन इज अलाउड और फॉरवर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन लॉ जो रिएक्शन जो भी होगा रिएक्शन इज अलाउड और फॉरविडन नॉट अलाउड जिसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ओके, सो कंजर्वेशन लॉ को भी हम लोग दो तरह कैटेगरी में बांट करते हैं एक जो यूनिवर्सली कंजर्व क्वांटिटी होते हैं यूनिवर्सली कंजर्व क्वांटिटी में हमारे आते हैं चार्ज मोमेंटम एनर्जी पटॉन नंबर एंड बेरियोन नंबर दे आर यूनिवर्सली कंजर्व और दूसरे जो हैं, दे आर पार्शली कंजर्व क्वांटिटी पार्शली कंजर्व क्वांटिटी में आते हैं स्ट्रेंजनेस टी आइसोस्पिन चार्ज कंजुगेशन एंड द लास्ट वन इज टाइम रिवर्सल तो एक करके सबको देखते हैं शॉर्ट में देखेंगे सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सली कंजर्व क्वांटिटी यूनिवर्सली कंजर्व क्वांटिटीज इसमें पहला आते हैं हम लोग चार्ज चार्ज जो है जनरली कंजर्व होते हैं सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरली कंजर्व इन द पार्टिकल डी एंड देयर रिएक्शंस इट इज ड्यू टू द कंज़र्वेशन लॉ दैट इलेक्ट्रॉन एंड इज द लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी डीके मतलब इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डीके नहीं कर सकते क्योंकि उसका चार्ज ही माइनस वन है तो माइनस वन को किस तरह से हम उसको डीके करेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट पार्टिकल है फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें इलेक्ट्रॉन है ये डीके कर जा रहा है हमारा अगर हम ले चल रहे हैं तो अगर इसके चार्ज के कंजर्वेशन के रूल को देखें तो इसका वैल्यू है माइनस वन फोटोन्स का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है दैट मीनस इस तरह का कंजर्वेशन लॉ या इस तरह का कंजर्वेश uh, uh, ये रिएक्शन ये जो है वो पॉसिबल नहीं है दैट इज इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल सो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ चार्ज जो है वो कंजर्व होना चाहिए डी में मतलब अगर लेफ्ट uh, साइड में जो चार्ज है वो राइट right साइड में चार्ज जो है दोनों सेम होना चाहिए नंबर टू आते हैं हम लोग एनर्जी पे तो एनर्जी जो इक्वेशन में हमारे कंजर्व होने चाहिए तो एनर्जी कंजर्वेशन में जनरली अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी सो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ़ ई ए प्लस एनर्जी ऑफ ई बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी एंड देन इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी में चेंज कर देंगे के ए प्लस एम ए सी स्क्वायर के बी प्लस एम बी सी स्क्वायर चेंजेस इंटू के सी प्लस एम सी सी स्क्वायर प्लस के डी प्लस एम डी सी स्क्वायर ठीक है तो अगर मान लेते हैं लेट ये जो है वो बी में चेंज कर रहा है और बी जो है शुरू में रेस्ट में तो बी जो टारगेट जो है वो रेस्ट में है दैट मीन्स का काइनेटिक एनर्जी के बी जो है वो जीरो होगा सो so, प्रोडक्ट्स जो है वो भी रेस्ट में होगा रिएक्शन को होने के लिए तो इसलिए के बी सी पार्टिकल और डी पार्टिकल सब काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा जब इस तरह के रिएक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो, तो उस केस में हमारा के ए अगर इसमें हम लिखें ये वैल्यू जीरो हो जाएगा ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा सो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सिर्फ के ए का वैल्यू निकालेंगे के ए हो जाएगा हमारा एम सी प्लस एम डी ठीक है ये तो पॉजिटिव रहेगा एम ए का टर्म उधर जाएगा एम एम बी का टर्म उधर जाएगा और सब में सी स्क्वायर का टर्म ठीक है तो सिंस मोमेंटम इज नॉट कंजर्वड हेंस क्योंकि जब कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइट करता है तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं है एनर्जी मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द रेस्ट मास एनर्जी एंड द डिफरेंस जो होगा इस केस में वो हो जाएगा कि ए शुड बी ग्रेटर देन एम सी प्लस एम डी माइनस एम ए माइनस एम बी सी स्क्वायर ठीक है दैट मीन्स अगर हम लोग पूरा इस पार्टिकल को देख लें सब अच्छी तरह से सो तो पार्टिकल अगर इस तरह से अगर कंजर्व हो इस इक्वेशन में जो तो हमारा जो अलाउड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एम आर इसको अगर अच्छे से और डिटेल्स में जाए एम आर बी ग्रेटर देन एम पी व्हाट इज एम आर R is for reactants reactant. and P is product. That means reactants का जो हमारा rest mass energy होगा वो product के rest mass energy से ज्यादा होगा. तभी energy conservation principle allowed energy होगा. The third one is conservation of lepton number. तो ये हमलोग तो जानते ही हैं lepton number जो है वो conserve होना चाहिए. और वो इंडिविजुअल कंजर्व पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दैट मीन्स एल ई एल म्यू एंड एल टाउ ठीक है इंडिविजुअल चेकिंग हम लोग करेंगे तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं म्यू माइनस प्लस ई माइनस दैट चेंजेस इनटू न्यू ई प्लस टाउ माइनस तो उस केस में ये हो जाएगा एल म्यू अगर हम लोग चेक करने जाएं सो इट इज़ प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो क्योंकि तो म्यू चेक कर रहे हैं तो म्यू केस में ये प्लस वन ये ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो तो ये कंजर्व नहीं हो रहा है लेकिन अगर हम लोग एल ई चेक करने जाएं तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस वन ये हो जाएगा प्लस वन और ये ज़ीरो तो ये कंजर्व हो रहा है बट कोई भी एक रिएक्शन एक नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारा अलाउड कैटेगरी में नहीं आएगा दिस लॉस टेट दैट एनी पार्टिकल रिएक्शन डीके द टोटल नंबर इज ऑलवेज कंजर्व किसी भी डीके या फिर रिएक्शन में लैपटॉन नंबर जो है वो कंजर्व होना चाहिए नंबर फोर इज द बेरियोन जो हम लोग के पड़े हैं बेरियन नंबर बी जितने भी बेरियोन्स होते हैं जो हमारे दो कैटेगरी में हम लोग पड़े हैं स्पिन हाफ एंड स्पिन थ्री बाई टू ऑल बेरियो नंबर शुड बी कंजर्वड रिएक्शन एंड में बी शुड बी कंजर्व बी शुड बी कंसर्व तो हम लोग इसमें नहीं आते हैं क्योंकि यहां पर अभी थोड़ी देर पहले देखा है नंबर फाइव इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जनरली टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक फिजिक्स में कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है जे इज इक्वल टू होता है और बाइटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ठीक है सो स्पिन के बारे में अगर देखा जाए व्हाट आर द स्पिन्स? ट इज एस सो मेसोन्स फैमिली में एस का वैल्यू होता है जीरो लैपटॉन फैमिली में स्पिन होता है हाफ न्यूक्लियॉन्स में स्पिन का वैल्यू होता है हाफ हाइप्रॉन्स एक्सेप्ट ओमेगा यहां पे वैल्यू होता है हाफ और ओमेगा इसका स्पिन होता है थ्री बाई टू सो so, अगर हम लोग देखें कैसे चेक करेंगे लेते हैं ठीक है सो so, यहां पे एल नहीं दिया हुआ है और बेटे एंगुलर मोमेंटम सो तो अगर एल नहीं दिया हुआ है तो एल का वैल्यू हो गया जीरो तो हम लोग स्पिन चेक करेंगे इसका स्पिन है हाफ इसका स्पिन है हाफ और इसका स्पिन है वन तो हम लोग देखेंगे सो तो फाइनल वैल्यू में हम लोग फाइन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा जे हाफ इज इक्वल टू वन प्लस अगर लेफ्ट हैंड पाया क्योंकि इधर में तो हमारा एक ही पार्ट है जे आई का वैल्यू इनिशियल में हमारा ये है जे एफ जो है इसके लिए अगर हमको फाइंड करना होगा सो दिस इज वन प्लस हाफ टू वन माइनस हाफ सो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू एंड वन सो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे इसका वैल्यू है हाफ और यहाँ पर भी हाफ का टर्म है दैट मीन्स दिस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व सो हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंजर्वेशंस हैं यूनिवर्सली कंजर्व क्वांटिटी चार्ज मोमेंटम एनर्जी लेपटॉन नंबर बेरियॉन नंबर सो हम लोगों ने देख लिया अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंजर्वेशंस ऑफ पार्सली कंजर्व क्वांटिटी इसमें सबसे सबसे पहला आता है parity. तो सबसे पहले parity, ये हमको जानना होगा. So जो है जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है अगर एक्स है तो उसको माइनस एक्स में चेंज कर देगा वाई जो है तो उसको क्योंकि मिरर इमेज अगर हम लोग देखते हैं तो मिरर इमेज क्या करता है जस्ट उसको रिफ्लेक्स कर देता है नेगेटिव एक्सिस में तो पैरटी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग हैं पी स्क् टू पैरेटी ऑपरेटर पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन सो पी इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस वन सो अगर p का वैल्यू प्लस वन है पैरेटी ऑपरेटर का दैट इज ये इवेंट पैरेटी को रिप्रेजेंट करेगा और P का वैल्यू अगर माइनस वन है ये ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है तो दिस इज फॉर पैरिटी पैरिटी में हमारा एक दो एग्जांपल हम लोग ले लें सो पैरिटी जो है वो दो टाइप्स का होता है एक होता है इंट्रेंसिक पैरिटी और एक होता है ऑर्बाइटल पैरिटी पहला है हमारा टू टाइप्स फर्स्ट इज इंटरसिक पैरिटी एंड नंबर टू पैरिटी इंट्रेंसिक पैरिटी और ऑर्बिटल पैरिटी दोनों केस में पी इज इक्वल टू होता है माइनस वन टू दावर एल एल जो है ऑर्बिटल या एजुम्यूटल क्वांटम नंबर्स इसको हम लोग कह सकते हैं सो so, अगर हम लोग इसको देखें तो बोसोन्स फैमिली में बोसोन्स में जनरली जो मेसोन्स हैं बोसोंस कहने का मतलब जो बो साइंसटाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है वो होता है माइनस वन ये ऑड पैरिटी होता है और जितने भी फर्मिओंस हैं फर्मिओंस मीन्स जो फर्मी डायरेक्ट ये बोसटाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है फर्मियों जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है जितने भी फर्मियस है कौन कौन से फर्मियो हैं लैपटॉन न्यूक्लियोन एंड हाइप्रॉन्स दोनों केसेस में सभी केसेस में ये सबका वैल्यू जो होता है वो प्लस वन होता है प्लस वन डेट मीन्स इवेंट पैरिटी ओके और टोटल पैरिटी जो होगा सिस्टम का टोटल पैरिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू इंट्रेंजिक पैरिटी इनटू ऑर्बिटल पैरिटी इंटेंसिक प्रायोरिटी और ऑर्बिटल पायोरिटी के बराबर होता है ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा इसी कैटेगरी में आगे चार्ज कंजुगेशन चार्ज कंजुगेशन क्या होता है उसके बारे में कुछ देखेंगे एंड देन उसके बाद टाइम रिवर्सल और फिर सीपीटी थ्योरम, सो सेकेंड वन चार्ज कंजुगेशन इसको हम लोग सी सी भी कहते हैं वट इज चार्ज कंजुगेशन इट इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्सन ऑफ चार्ज इट मीन्स दैट इन ए रिएक्शन पार्टिकल्स आर रिप्लेस बाय दे आर एंटी पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे आर प्रॉपर्टीज गेट चेंज उसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगा मतलब पार्टिकल को उसको किसके चेंज कर देंगे पार्टिकल को हम के उसके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे

ये ये आर्गेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एल जो है वो इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बट नॉट इन वीक इंटरेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है टू चेक द चार्ज कंजुगेशन अगर चार्ज कंजुगेशन हम लोग चेक करने जाए तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लैमडॉप जीरो तो चार्ज कॉन्जुगेशन में हमारा फॉर्मूला होता है माइनस वन टू दावर एल प्लस एस तो इसका पहले स्पिन देख लेते हैं स्पिन ज़ीरो वन वन तो एल तो दे ही दिया हुआ है तो हम लोग सी के लिए लिखेंगे माइनस वन टू दावर ज़ीरो क्योंकि पहले वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में से ये है और इधर हो जाएगा माइनस वन टू दावर वन इंटू माइनस वन टू दावर वन क्योंकि दोनों का फोटोन का हमारा वन है तो ये हो जाएगा वन और इस केस में माइनस इंटू माइनस वन दैट मीन सी सी सीमेट्री चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री फोल्ड ठीक है सो रिएक्शन के बारे में हम लोग का ये आ गया अब कोई भी एक्शन दिया रहेगा तो उसमें हमारा लैपटॉन नंबर्स और ये सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे

I, this is called G parity. Uh, or it conserved in strong in and uh, only in a strong interaction. Okay. उसी तरह से जब हमारा P parity होता है, simple P parity, P के बारे में जैसे तो हम लोग parity में पढ़े इसको हम लोग सी पैरिटी चार्ज पैरिटी के साथ लगा देंगे सो so, ये कंबाइंड होके बन जाएगा ये भी मल्टीप्लीकेटिव नेचर होता है सो so, ये दोनों मिल कम्बाइंड होके बन जाएगा सीपी पैरिटी या सीपी सिंपली हम लोग कह सकते हैं सीपी अब नेक्स्ट है हमारा टाइम रिवर्सल

सो इफ ए मोशन ऑफ ए पिक्चर फिल्म वाज़ मेड ऑन एन इवेंट ऑफ सी ए पार्टिकल फॉर्मेशन और डीके द इवेंट वुड अपीयर्स एग्जैक्टली इक्वली पॉसिबल रिगार्डेड वेयर द फिल्म इज रन फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर कोई इवेंट जैसे कोई मूवी चल रहा है मूवी का अगर हम सीधा चला रहे हैं तो ऑब्वियसली सेम चल रहा है और जब बैकवर्ड पोजिशन में भी चला रहे हैं तो सेम पहले जैसा ही चल रहा है तो उस तरह के चीजेस को हम लोग कहते हैं टाइम रिवर्सल अब हमारे सीपी पैरिटी के साथ जब टी को हम अप्लाई करवा देते हैं तो यह हमारा कहलाता है सीपीटी थ्योरम चार्ज पैरेटी पैरिटी एंड टाइम रिवर्सिबल, तीनों के साथ ये मिल जाएगा तो यह बन जाएगा सीपीटी थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पॉसुलट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑल इंटरैक्शन

चार्ज ऑपरेशन पैरिटी ऑपरेशन एंड टाइम रिवर्सेबल ऑपरेशन दैट मींस इसी को हम लोग कहते हैं सीपीटी थ्योरम। दैट मींस अगर कोई साई पार्टिकल है उसमें हमारा पोजीशन वेक्टर एक्स है और टी है तो ये अगर जब हम इसका एंटी पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो इसका माइनस एक्स और माइनस टी हो जाएगा लेकिन वैल्यू हमारा सेम होगा सो so, ठीक है सो